हेलो एवरीवन तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसलिनियस कॉमन एरर्स का डे फाइव इससे पहले आपका चार वीडियोज अपलोड हो चुका है डे वन डे टू डे थ्री और डे फोर ये डे फाइव है जो भी भाई हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए अच्छा लगेगा तो दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और अगर ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तो पीछे का भी वीडियोज आप देख लीजिएगा क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सभी कम्पटेटिव एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पी डी एफ आप डाउनलोड कर सकते हैं पंकज इंग्लिश टेलीग्राम चैनल से तो टेलीग्राम पे जाकर पंकज इंग्लिश चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से पी डी एफ डाउनलोड करके आप अटेम्प्ट कीजिए उसके बाद सोलूशन को देखा कीजिए तो चलते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर वन की ओर देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है All the doubts, sorry, all doubts are cleared between you and I. देखिएगा इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट है ठीक है इसके लिए हमारा, object है, इसके लिए हमारा एक क्या है ऑब्जेक्ट है तो पैसे में लिखा हुआ है between हमारा क्या है preposition. बिटवीन क्या है प्रीपोजिशन और जब बिटवीन प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन सा केस यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस किसी भी भार का सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्टिव केस होता है प्रीपोजिशन के जो बाद आता है उसे प्रीपोजिशन प्री का ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसका केस ऑब्जेक्टिव होता है तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए अब जानते हैं कि वो सब्जेक्टिव केस भी है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस आय नहीं है मी है क्या मी है तो यहाँ पे मी होना चाहिए गलती किस पार्ट में है सी पार्ट में है ना गलती किस पार्ट में है सी पार्ट में मैं कुछ बोल देता हूँ आप सुनकर नोट डाउन कर लेना भर्व के पहले सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं बी इज एम आर वाज बर्व के बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं भर्व के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं और लेट भी एक प्रकार का भर्व है तो लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं लेट आई गो गलत है लेट मी गो होगा इतनी सी बात आपको याद रखनी है बाबू तो गलती सी पार्ट में है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइदर ऑफ रूट याद रहे या तो either of ऑफ लिखा हो ईच ऑफ लिखा हो एवरी वन ऑफ लिखा हो या फिर नाइदर ऑफ लिखा हो इसके बाद हमेशा पीसीएन यूज करते हैं प्लुरल काउंटेबल नाउन लेकिन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब दो 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 सब्जेक्ट्स जो होते हैं दो नाउन्स होते हैं प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो मेन हमारा पहले वाला होता है ऑफ के पहले आइदर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होने के कारण सिंगुलर समझा जाता है हमेशा सिंगुलर होता है तो भार भी सिंगुलर लेता है और लिट्स देखिएगा यहाँ पे सिंगुलर भर्व है क्योंकि इसमें एस लगाया हुआ है जब भार का ओरिजिनल फॉर्म होता है तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और वो भार में एस लगा देते हैं तो सिंगुलर भर्व के साथ यूज होता है भी फाइव का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और भी वन का प्रयोग हम लोग प्लुरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं है ना तो लिट्स बिल्कुल सही है और आपको ये भी याद रखना है कि लीड्स के साथ हमेशा क्या आता है प्रीपोजिशन टू आता है ठीक है कह रहा है कि दो रोड में से कोई एक रोड है जो पार्क तक जाती है तो लीड्स भी सही है टू भी सही है पार्क डेफिनेट है तो द पार्क भी सही है सेंटेंस में किसी भी प्रकार का एरर नहीं है नो no एरर आप बताइएगा क्या आप नो एरर लगाए थे कि नहीं आपको क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया तो हाँ मैं जवाब जरूर दीजिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स माई ऑन्ट्स एंड माई कजन एक क्वेश्चन एक बार सीजियल में पूछा था एजिज क्वेश्चन पूछा था लेकिन उस क्वेश्चन में कजन सिस्टर लिखा था जो कि गलत है कजन के साथ याद रहे कजन के साथ सिस्टर और सुपर सिस्टर और ब्रदर का प्रयोग सुपरफ्लूस होता है तो कजन के साथ हम लोग ना तो सिस्टर का प्रयोग करते हैं ना ही ब्रदर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ कजन हमारा नाउन है एस लगा दिया दैट मीन्स एक से ज्यादा चचेरा भाई होगा एक से ज्यादा चचेरी बहन होगी जो भी होगा लेकिन आई वेंट टू टेम्पल यहाँ पे यूज करा है याद रहे कुछ कुछ ऐसे प्लेस के नाम है जिसका प्रयोग यदि प्राइमरी पर्पस में किया जाए तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं जैसे कि टेम्पल हो गया जैसे कि हॉस्पिटल हो गया क्या हो गया जैसे कि हॉस्पिटल हो गया जैसे कि चर्च हो गया चर्च में लोग प्रेयर के लिए जाता है जैसे कि जेल हो गया प्रिजन हो गया प्रिजन, और क्या है स्कूल हो गया स्कूल के साथ आप लिख सकते हैं कॉलेज क्या कॉलेज ये जितने भी पब्लिक प्लेस हैं ये जितने भी प्लेस के नेम हैं इसका प्रयोग यदि इसका प्रयोग ध्यान दो यदि इसका प्रयोग प्राइमरी पर्पस के लिए हो कौन पर्पस के लिए प्राइमरी यदि इसका प्रयोग प्राइमरी पर्पस के लिए हो प्राइमरी पर्पस का मतलब जिसके लिए इसका निर्माण हुआ है जिसके लिए इसका निर्माण हुआ है उसी काम के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा हो तो फिर इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं कर सकते अगर आर्टिकल का प्रयोग कर दिए तो कॉमन एरर हो जाएगा तो टेम्पल नहीं टेंपल का प्रयोग करेंगे चर्च नहीं चर्च जेल प्रिजन स्कूल और कॉलेज के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते लेकिन कंडीशन है प्राइमरी पर्पस के लिए यहाँ पे सेंटेंस में बोल रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स ऑन्ट्स और कजन के साथ टेम्पल गया तो आप वर्षिप करने के लिए गए होंगे पूजा करने के लिए गए होंगे ध्यान दीजिएगा टेम्पल को हम लोग प्राइमरी पर्पस कम मानेंगे जब इसका प्रयोग वर्शिप के लिए किया जाएगा किसके लिए वर्शिप के लिए, लिए। चर्च का प्रयोग किसके लिए प्रेयर के लिए होगा स्कूल और कॉलेज का प्रयोग पठन पाठन के लिए होगा फिर प्राइमरी पर्पस होगा ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल नहीं लगेगा लेकिन ऐसे बोला जाता कि मेरा घर मंदिर के बगल में है तो मंदिर के बगल में है तो उसे का वस्तु के रूप में यूज कर रहे हैं डेफिनेट वस्तु के रूप में यूज कर रहे हैं तो ऐसे बोलना होता माय हाउस इज नेक्स्ट टू द टेंपल यहाँ पे द टेंपल बिल्कुल सही है तो ध्यान दीजिएगा यदि प्राइमरी पर्पस में इसका प्रयोग हो तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा और यदि ए नाउन ए प्लेस नेम्स का प्रयोग किसी पार्टिकुलर पार्टिकुलर सेंस में हो तो किसी वस्तु के रूप में हो तो ऐसे सिचुएशन में स्थिति के अनुसार इसके साथ आर्टिकल के रूप में ए का भी प्रयोग हो सकता है और दा का भी प्रयोग हो सकता है जैसे मेरे गांव में एक मंदिर है तो देयर इज अ टेम्पल इन माय विलेज बिल्कुल सही है मंदिर के बगल में, में मेरा घर है तो माई हाउस इज नेक्स्ट टू द टेम्पल लेकिन मंदिर हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं तो बी गो टू फिलिंग द ब्लैंक्स टू वर्प तो दिन क्या होगा टेम्पल मेरा भाई प्रत्येक दिन स्कूल जाता है तो पढ़ने के लिए ही जाता होगा तो माई ब्रदर गो टू फिलिंग द ब्लैंक्स एवरीडे द स्कूल नहीं होगा स्कूल होगा चोर जो है जेल से भाग गया द थीप स्केम फिलिंग द ब्लैंक्सटर डे द जेल नहीं होगा जेल होगा कुछ बातें आपको समझ में आई कि नहीं आर्टिकल में पॉइंट सभी भी सभी टीचर्स के द्वारा पढ़ाई जाती है तो गलती फर्स्ट पार्ट में है और फर्स्ट पार्ट मेर क्या है यहाँ पे आप दाग का प्रयोग नहीं कीजिएगा कोई पूछे कि दाग क्यों नहीं लगेगा तो बोलिएगा प्राइमरी पर्पस में इन प्लेस नेम्स के साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन टू ईयर्स अगो आप जानते हैं ना अगो है लास्ट है पास्ट है याद रहे लास्ट पास्ट का प्रयोग सीन्स ऑफ फोर के साथ नहीं होना चाहिए विदाउट फोर ऑफ सीन्स होना चाहिए या स्टडे है क्या है या स्टडे है अगो है देन है देन है दैट डे है दैट डे ओ दिन की बात कर रहे हैं आप दैट डे दे है इन किसी पास्ट टाइम का मेंशन है नाइनटी ट्वेंटी या नाइनटी ट्वेंटी एटीसी तो जब कभी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीशन दिया हो और कॉम्प्लीशन के साथ वो पास्ट टाइम का मेंशन किया हो पास्ट टाइम के साथ पास्ट टाइम का मेंशन किया हो तो पास्ट टाइम के साथ दिए गए कॉम्पलिसन को हमेशा हमेशा के लिए सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है किस में रखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर दैट मींस क्या होता है v2 होता है तो यहाँ पे पास्ट हमारा v2 है तो यहाँ आप हैव का प्रयोग नहीं कर सकते एरर किस पार्ट में हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में सर हैव पास्ट कब होता तो जब टू ईयर्स अगो नहीं होता तो हैव पास्ट भी बिल्कुल सही होता आई है पास द एग्जामिनेशन मैं परीक्षा पास कर गया हूं लेकिन जैसे ही पास्ट टाइम का मेंशन हो जाए तो आप प्रजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते आपको सिंपल पास का प्रयोग करना होगा एक बात और सुनिए मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूं जैसे बोलूंगा आई है बाउट मैं एक कार खरीद लिया हूं बिल्कुल सही है आई बाउट बिल्कुल सही है कंप्लीसन को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट भी सही है और सिंपल पास्ट भी सही है वैसा कंप्लीसन जो कंप्लीट हो गया लेकिन प्रभाव है प्रेजेंट परफेक्ट वैसा कंप्लीशन जो कंप्लीट हो गया प्रभाव नहीं है वो सिंपल पास लेकिन अगर टाइम का मेंशन कर दिया गया है तो आपको दिमाग नहीं लगाना है भीटू लगा देना है तो यहां पे पास भीटू था हैव नहीं होगा गलती फर्स्ट पार्ट में है अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है सिंपल पास्ट क्या होता है ये पास्ट के साथ कैसे हम लोग पास्ट लगाते हैं इतना देर के लेक्चर में आपका सारा जो पॉइंट्स है कॉन्सेप्ट है आई होप कि रिवाइज हो गया होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्थ मूव्स राउंड मतलब होता है किसी भी वस्तु के चारों ओर गति करना परिकर्मा करना परिक्रमा चक्कर लगाना जब कोई एक वस्तु वस्तु किसी दूसरे चार ओर चक्कर लगाता है तो राउंड का प्रयोग बिल्कुल सही है अमेरिकन इंग्लिश में ए राउंड भी लगाता है लेकिन ध्यान दीजिएगा ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार एग्जाम्स के अनुसार हम लोग राउंड लगाते हैं बिल्कुल सही है सन हमारा क्या है ध्यान दीजिएगा खगोलीय पिंड है तो इसके साथ दाल लगाते हैं तो यहाँ पेर क्या है सर मुब्स यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट में जाता है क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है मुझे इतनी सी बात बताइए कि ए भी फाइव है क्या ये भी फाइव है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या और सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो डज और डू होता है क्या डू और डज होता है तो इसी का क्वेश्चन टैग बना रहे हैं कि ऐसा है ना आप बोल रहे हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है तो फिर आप इसको कंफर्म करने के लिए बोल रहे हैं घूमता है ना यही है क्वेश्चन टैग तो बाबू ईट तो सही था अर्थ के लिए मेरे भाई ईट तो सही था लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए इज नॉट गलत है क्या होगा Does का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं क्वेश्चन टैग में याद रहे ओग्लरी भर प्लस नोट का हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे डंट इट होगा इजेंट कब होता जब यहाँ पे इज एम आर इज एम आर भी रहेगा तब वहां पे इज एम आर होता है ना तो गलती हमारा सी पार्ट में है आगे चलिएगा अनलेस यू डोंट गिव आप जानते हैं कि अनलेस अंटिल और लेस्ट अनलेस अंटिल और लेस्ट एक नेगेटिव कंजंक्शन है और नेगेटिव कंजंक्शन अगर किसी कलाउज में आ जाए देखो इस कलाउज में इस क्लाउज को रिप्रेजेंट कर रहा है ध्यान दीजिएगा इस क्लाउज को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो एक अलग क्लाउज है एक क्लाउज सेकंड है ये हमारा फर्स्ट क्लाउज है तो यहाँ पे लेस्ट अनटिल और क्या है अनलेस ये नेगेटिव कंजंक्शन है जिस क्लाउज को रिप्रेजेंट करेगा दैट मीन्स जिस सब्जेक्ट क्लाउज uh, के साथ आएगा उस क्लाउज में गलती से भी नोट नहीं आएगा नो no नहीं आएगा निर्भर नहीं आएगा आ गया तो कॉमन एरर तो इसमें हम लोग डूनोट को हटा देंगे यू के साथ भी वन लगता है ये बिल्कुल सही है बातें प्रेजेंट की कर रही है भी के साथ हम लोग पेयर में सेलबिल का कर, प्रयोग करते हैं बिल्कुल सही है ए सेंटेंस हमारा कंडीशनल सेंटेंस है और unless को बोला जाता है कंडीशनल कंजंक्शन जिसका मीनिंग खुद ही होता है यदि नहीं इफ नॉट तो जब इसका मीनिंग खुद ही होता है यदि नहीं तो इसके साथ नोट सुपरफ्लूस माना जाता है गलती हमारा फर्स्ट पार्ट में हो गया आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ कह रहा है कि करोड़ों स्टार्स हैं तारे हैं हमारे गैलेक्सी में गैलेक्सी बोला जाता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं तो कह रहा है कि हमारे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों क्या है तारे हैं उसमें से कितना लाइफ के लिए सुटेबल है तो बताइएगा स्टार्स जो है ये हमारा क्या है काउंटेबल नाउन है क्या एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन का संख्या बताया जाता है मात्रा नहीं मात्रा अनकाउंटेबल नाउन का बताते हैं मात्रा बताने के लिए क्वांटिटी डिनोटिंग एडजेक्टिव आता है जैसे कि मच और लिटिल लेकिन काउंटेबल नाउन का मात्रा नहीं संख्या बताया जाता है और संख्या बताने के लिए हम लोग लगाते हैं नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव और नंबर डिनोटिंग है मेनी आपको समझ में आता है कि नहीं High बहुत का दो अंग्रेजी है मच भी है और मेनी भी है लेकिन मच क्वांटिटी बताता है और मेनी संख्या बताता है जैसे कि मच वाटर मच मिल्क मच नॉलेज मच वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा लेकिन मेनी स्टार्स मेनी गर्ल्स मेनी स्टूडेंट्स मेनी कंट्रीज ऐसे हम लोग यूज करते हैं गलती हमारा हो गया सेकंड पार्ट में आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेज कह रहा है कि डॉलर का कीमत घट गया है घट गया जैसे ही इन्फ्लेशन का जो रेट है दर है, वो बढ़ा, वृद्धि हुआ तो यहाँ पे रेज नहीं होगा राइज होगा और राइज का हम लोग लगाएंगे सिंगुलर फॉर्म तो राइजेज हो जाएगा गलती किस पार्ट में है सी पार्ट में ध्यान दो एक होता है रेज रेज मीन्स होता है ऊपर उठाना ऊपर उठाना किसी वस्तु को वर्टिकल पोजीशन पर उठा के रखना उठाना ये हमारा रेज है रेज ट्रांजिटिव भर्ब है और इसके साथ हम लोग यूज करते हैं क्या ऑब्जेक्ट और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है उठाना क्या होता है उठाना इसका भी टू फॉर्म हम लोग यूज करते हैं रेज्ड और भी थ्री फॉर्म भी क्या यूज करते हैं रेज्ड ठीक है जैसे प्रश्न मुद्दा आदि को उठाना या किसी वस्तु को हाइयर पोजीशन पर ले जाना वो रेज है और एक होता है तो हमारा राइज होता है और राइज इन ट्रांजिटिव है और इसके साथ हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं इसका भी टू फॉर्म होता है रोज और भी थ्री फॉर्म क्या होता है राइजन क्या राइजन तो कोई चीज कोई सी दूसरे चीज को हायर पोजिशन पर उठाएगा तो रेज है और ध्यान दिए खुद ही वृद्धि करेगा तो राइज है ये सेल्फ एक्शन है तो इन्फ्लेशन कोई चीज को बढ़ाएगा नहीं बल्कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ा डॉलर का वैल्यू क्या हो गया कम गया तो रेजेस नहीं होगा राइज होगा गलती कहां पर है सी नेक्स्ट इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर कह रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं एंगर होते हैं तो गुस्सा के केस में देखिए कितना अच्छा सेंटेंस बोला है सेंटेंस आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो उस परिस्थिति में उस स्थिति में आपको बोलने से ज्यादा शांत रहना चाहिए तो कंपेरेटिव डिग्री है यहाँ पे देखोगे इंफिनेटिव है और यहाँ पे भी क्या है इंफिनेटिव है दो इंफिनेटिव है और बोलने से ज्यादा आपको शांत रहना आपके लिए बेहतर होता है कंपैरिजन कर रहे हैं तो दो चीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कॉम्पेरेटिव डिग्री यूज करेंगे और इट इज गुड का कंपैरेटिव हो जाएगा

तब तक ध्यान दीजिएगा सोनी सॉरी देखो ए क्या है एडजेक्टिव कीप के साथ हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं सेफ हमारा एडजेक्टिव है बिल्कुल सही है एंड टू मेक इट अवेलेबल वेन दे नीड इट और कहता है कि हम लोग के लिए ये अवेलेबल रहता है जब भी हम लोग को इसकी जरूरत होती है बैंक पैसा दे देता है ऐसा कहना चाह रहा है तो देखोगे बहुत धाकड़ क्वेश्चन है ये आपको नोट कॉपी में नोट डाउन करने की जरूरत है अगर आप इंग्लिश का नोट्स बना रहे हैं तो नोट कॉपी में आपको नोट करना है भाई अगर दो इंफिनेटिव और से और एंड से जुड़ा हो दैन से नहीं क्योंकि दैन से जुड़ता है तो पहले भी टू भी वन बाद भी टू भी वन कभी कभी दैन से में भी ये नियम लगता है क्या नियम है सुन लो अगर और और एंड के पहले टू इंफिनेटिव आया है बोले तो टू प्लस भीवन आया है तो बाद में हम लोग टू प्लस भीवन का प्रयोग ना करके केवल भीवन का प्रयोग करते हैं टू का प्रयोग गलत माना जाता है लेकिन अगर दैन है तो दैन के साथ दोनों केस होता है आप टू भीवन यहाँ लिखें तो यहाँ भीवन भी लिख सकते हैं टू प्लस भीवन भी लिख सकते हैं लेकिन एग्जाम में अगर भीवन लिख दोगे तो उसको गलत मानता है इसीलिए हम यहाँ पे दैन नहीं लिखे हैं तो याद रखना अगर कंपैरिजन करेगा तो कंपैरेटिव डिग्री अगर यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री यूज कर दिया यहां पे दैन है तो यहां पे टू भी बनाया है तो यहां पे भी तुम टू भी वन यूज करना यहाँ पे जेरन आ गया है तो यहाँ पे भी तुम जेरन का प्रयोग करना ठीक है लेकिन यदि सेंटेंस में कोई या एक और एरर है सेंटेंस में दो एरर है और एक एरर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टू भी वन है और यहाँ पे भी वन है तो इसको तुम सही मान लेना और जो दूसरा एरर है उसे आप गलत मान के आप मार कर देना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फिलहाल इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको पॉइंट पढ़ाए कि दो इन्फिनेटिव अगर और और एंड से जुड़ जाता है तो बाद वाले के साथ बाद वाला जो इनफिनिटिव होता है उसके साथ हम लोग टू जो आता है उसको हटा देते हैं रिमूव कर देते हैं गलती हमारा हो जाएगा बी पार्ट में देखो यहाँ पे क्या है टू की इन्फिनेटिव है तो यहाँ पे केवल भी वन देते ये टू का रिक्वायरमेंट नहीं था गलती हो गया सेकंड पार्ट में ठीक है क्या ये पॉइंट आपको पहले से पता था क्या ये क्वेश्चन आपका सही हुआ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटीन हिज फादर इज disgusted अगेंस्ट हिम disgusted with somebody होता है तो यहाँ पे अगेंस्ट गलत है सही होगा क्या with ठीक है एंग्री बिथ समबडी होता है एनवाइड बिथ समबडी होता है angry with somebody होता है, उसी प्रकार से डिस्गस्टेड समबडी होता है हमारा एरर, second part में। आगे बढ़ोगे। He walked till the end of the क्या है ये बहुत मस्त क्वेश्चन है आप जानते हैं ना टिल टिल मींस क्या होता है तक टिल तक. मींस होता है तक या जब तक ये बाबू टाइम ड्यूरेशन को दर्शाने के लिए आता है डेस्टिनेशन को नहीं टाइम ड्यूरेशन को दर्शाने के लिए हम लोग टिल का प्रयोग करते हैं ठीक है और एक हमारा होता है टू क्या है टू टू का प्रयोग भी आप तक के सेंस में कर सकते हैं लेकिन ये आपका डेस्टिनेशन को शो करता है किसका डेस्टिनेशन का ये डेस्टिनेशन को शो करता है ठीक है टू हमारा क्या है टू हमारा ध्यान दीजिएगा पार्ट ऑफ स्पीच में देखा जाए तो ये प्रीपोजिशन है ये क्या है प्रीपोजिशन है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया सर क्या है तो जो है तो जो ना ध्यान दीजिएगा जो है हमारा कंजंक्शन भी है और साथ ही साथ प्रीपोजिशन भी है समझ जाना एक कंजंक्शन भी है और साथ साथ प्रीपोजिशन भी है जैसे आ, मैं आपका छह बजे तक इंतजार करूंगा आई विल वेट फॉर यू टिल सिक्स ओ क्लॉक ठीक है ए यहाँ पे टिल सिक्स ओ क्लॉक यूज किए हैं तो सिक्स ओ क्लॉक एक नाउन है तो टिल हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा लेकिन अगर ऐसे बोलते हैं कि कांट यू वेट फॉर मी कांट कांट यू वेट फॉर मी टिल आई गेट होम जब तक मैं घर नहीं आ जाता हूं आप मेरा इंतजार नहीं कर सकते हैं क्या तो टिल आई गेट होम में आई गेट होम एक क्लॉज है तो टिल कंजंक्शन हो गया क्लाउज के पहले आएगा तो कंजंक्शन है और नाउन के पहले आ गया तो प्रीपोजिशन है को दर्शाने के लिए आता है जबकि डेस्टिनेशन और गंतव्य स्थान को दर्शाने के लिए टू आता है जैसे मैं स्कूल जाता हूँ स्कूल एक हमारा टाइम ड्यूरेशन नहीं है डेस्टिनेशन है लड़का पार्क गया पार्क डेस्टिनेशन है लड़का पटना गया पटना डेस्टिनेशन है तो डेस्टिनेशन के लिए टू आएगा ठीक है और डायरेक्शन को दर्शाने के लिए टू आता है की ओर गया वर्ड्स तक गया तो टू तो यहां पे आप देखो, किसी का मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट का मूवमेंट का बाबू टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा मूवमेंट का द एंड ऑफ स्ट्रीट क्या है डेस्टिनेशन हो गया एक गंतव्य स्थान हो गया और डेस्टिनेशन के पहले तक के अर्थ में

ध्यान दीजिएगा का फॉर्म यूज़ किया है तो बुलाने पर हम लोग में से जितने भी मेंबर्स थे वो सभी मेंबर रूम में प्रवेश किए आप जानते हैं इंटरमिस होता है प्रवेश करना और ये ट्रांजिटिव सेंस देता है और इसके साथ हम लोग इंटू का प्रयोग नहीं करते हैं अगर आपको इंटू का प्रयोग करने का शौक है तो आपको कम यूज करना होगा या गो यूज करना होगा कम और गो के बाद आप इंटू का प्रयोग कर सकते हैं किसी आप परिसर में अंदर प्रवेश करते हैं मूवमेंट करते हुए तो कम इंटू या गो इंटू आप यूज कर सकते हैं लेकिन कम इंटू और गो इंटू बराबर ही होता है क्या इंटर आप गलती से भी इंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा क्या आप लोग बता सकते हैं कि इंटर के साथ एक परिस्थिति में हम लोग इंटू लगा सकते हैं तो हां इंटर के साथ एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आप इंटू का प्रयोग कर सकते हैं जहां पे इसका मीनिंग होता है प्रवेश करना नहीं भाग लेना क्या करना भाग लेना कोई आर्गुमेंट में भाग लिया कोई फाइट में भाग लिया कोई डिबेट में भाग लिया तो भाग लेने के अर्थ में आप इंटर इंटू का प्रयोग कीजिएगा और कोई रूम में प्रवेश किया कमरा में प्रवेश किया तो ऐसे सिचुएशन में आप इंटर के साथ इंटू नहीं लगाएंगे एरर है हमारा थर्ड पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग जोक एवरी फ्यू मिनट कह रहा है कि इन बैकग्राउंड दे गुड हियर ध्यान दीजिएगा वे लोग सुन सकते थे हियर के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करा है और हम आपको दो वर्ड बताए थे वॉच है ही है, और क्या है सी है पॉजिटिव हर पढ़ाते हैं वहां पे हम पढ़ाते हैं देखोगे हम बहुत ग्रामर में कम पॉइंट आपको पढ़ाते हैं लेकिन उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा बाहर आपको पूछेगा ही नहीं तो वाच है हियर है सी है इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा और इसके साथ आप भी फोर का भी प्रयोग कर सकते हैं और भी वन का भी प्रयोग कर सकते हैं एंड के पहले भी फोर है तो एंड के बाद भी भी फोर होगा इसी को बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन इसी को बोलते हैं पैरेललिज्म ठीक है जैसे मैंने उसको गाते हुए सुना आई हर्ड हिम सिंग भी सही है और सिंगिंग भी सही है मैंने उनको नाचते हुए देखा I watched him, I saw him dance भी सही है और डांसिंग भी सही है एडवांस भर में पढ़ाया जाता है तो जॉन लाफिंग एंड जोकिंग सही है लाउडली हमारा एडवर्ब है जो जोकिंग को क्वालिफाई किया ये बिल्कुल सही है अब नया सेंटेंस शुरू करता है जॉन वाज द लाइफ जॉन जो है जीवन है आत्मा है किसका पार्टी का क्यों ऐसा बोल रहा है कि आत्मा और लाइफ है आगे बोला आगे जॉन के बारे में और ध्यान दीजिएगा बोला है और प्रशंसा कर रहा है ही क्रैकिंग जोको हमेशा मजाक करते रहता है कुछ ही मिनटों के बाद एवरी फ्यू मिनट्स कुछ कुछ मिनट्स को बाद क्रैकिंग जोक तो यहाँ पे एरर क्या है ये बहुत मस्त क्वेश्चन है ये सबको नहीं दिखेगा देखोगे सेंटेंस एक तो तीन लाइन का है चार लाइन का है और प्लस में सेंटेंसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपको पता नहीं चलेगा ठीक है आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए कि इसमें गलती कहाँ है पहले अपना दिमाग लगाइए और आप दिमाग नहीं लगा पाते हैं आप एरर नहीं ढूंढ पाते हैं तो फिर वीडियो को आप आ, आ, वीडियो को आप आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा कि एरर कहाँ पे है देखिए आई होप कि आपका समय समाप्त हुआ आपसे नहीं बना होगा नहीं बना होगा तो फिर से आप रिज्यूम कीजिए और इसको देखिए कि सोल्यूशन कहाँ पे है एरर कहाँ पे है तो पार्टी मीन्स क्या है दल देखिएगा भाई कह रहा है कि जॉन जो है ना पार्टी का सॉल है और लाइफ है कोई भी पार्टी का निश्चित पार्टी का एक पार्टिकुलर पार्टी है एक स्पेसिफिक पार्टी है उसी पार्टी का लाइफ और सॉल है तो स्पेसिफिक होने को दर्शाने के लिए एनी पार्टी की पार्टी बताओगे कितना मस्त और जहर क्वेश्चन है गलती हमारा सेकंड पार्ट में है भाई हम आपको बताए हैं कि ए है एन है और एनी है ए एन जो है एनी का वीकर फॉर्म होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है जानते हैं क्या कोई क्या होता है कोई बहुतों में से एक या फिर होता है कोई आप बोल सकते हैं बहुतों में से एक हिंदी पर ज्यादा आप ध्यान नहीं दीजिएगा बहुतों में से एक या फिर कोई लेकिन द का मीनिंग होता है पार्टिकुलर या स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो ना है तो पार्टी ध्यान दीजिएगा स्पेसिफिक रहेगा ना आप किसी पार्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं तो कोई भी पार्टी का सॉल और लाइफ नहीं है बल्कि किसी डेफिनेट पार्टी का सॉल और लाइफ है तो यहां पे पर पार्टी होगा बहुत मस्त क्वेश्चन है नोट no डाउन जरूर कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनी थिंग टू हेल्प है कि मैं सोच रहा था कि क्या मैं कुछ कर सकता था मैं कुछ कर सकता था सहायता करने के लिए बहुत सारे बच्चे इसमें फर्स्ट में मार्क किए होंगे कि आई वॉज थिंकिंग नहीं होगा जो कि आप गलत सोच रहे हैं ध्यान दो थिंक का दो मीनिंग होता है थिंक का दो मीनिंग होता है देखो क्या क्या होता है समझो जब थिंक का मीनिंग होता है एक तो है कि स्टेटिव हर्ब है क्या है अस्टेटी भर्व? अस्टेटी भर्व का प्रयोग में नहीं कर सकते और एक होता है क्या डायनेमिक क्या डायनेमिक जब यह स्टेटिव होता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है लगना ओपिनियन को पेश करता है जैसे मुझे लगता है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा मुझे लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं मुझे लगता है कि आप अपना बेस्ट दिए हैं आई थिंक यूज करेंगे लेकिन डायनेमिक कब होता है जब इसका हिंदी मीनिंग निकलता है सोचना सोचना बोले तो क्या मेंटल एक्शन टेंस में हम आपको पढ़ाए हैं मेंटल एक्शन होता है इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं डायनेमिक और डायनेमिक का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में डायनेमिक का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में संभव है लेकिन ध्यान दीजिएगा अस्टेटी भर्व का प्रयोग कंटिन्यूस में संभव नहीं है तो क्या यहां का मीनिंग लगना है ओपिनियन है कि मेंटल मेंटल एक्शन एक्शन आप बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा था मैं सोच रहा था कि क्या मैं सहायता करने के लिए कुछ कर सकता था तो इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है यहां पे बढ़ते हैं यहां पे एरर नहीं है ध्यान दीजिएगा इफ का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या के सेंस में इनडायरेक्ट लिखा गया है तो इफ जो है बिल्कुल सही है कुड डू भी बिल्कुल सही है एनी कुछ के सेंस में भी सही है और टू हेल्प इन्फिनिटी बोला है भी सही है नो एर नेक्स्ट I meant nothing less than compel you to क्या है कम जो आएंगे वहां के चुपचाप बैठेंगे हल्ला नहीं करेंगे देखिएगा इसमें रर क्या है जल्दी से बताओ इसमें रर क्या है बता सकते हैं क्या I meant nothing देखोगे एडवांस भर में हम आपको एक पॉइंट पढ़ाए थे अलग बात है कि आपको याद नहीं होगा अगर डू है या फिर डज है और डिड है और इसके बाद नथिंग बट आ जाए नथिंग भी आ सकता है और एवरी थिंग भी आ सकता है एवरीथिंग भी आ सकता है और इसके साथ बट आ जाए तो हम लोग यूज करते हैं केवल क्या भीवन केवल यूज करते हैं क्या भीवन और अगर भाई अदर, आ जाए, अदर में आ रहा है? डू डज डीड को छोड़कर दर साज़ हैं और इसके बाद ध्यान दीजिएगा नथिंग और एवरीथिंग आए और फिर बाबू लोग बाट आए बाट आए तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टू प्लस भी बन बस यही पॉइंट सीखना है यहाँ पे देखो कि अगर डू डच डी डायर तो यहाँ पे हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं और अगर यहाँ पे अदर जैसे कि वांट आ जाए जैसे यहाँ पे मींट यूज किया है तो बेयर इन्फिनेटिव नहीं टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं किसका टू इंफिनेटिव का और यही सेम स्ट्रक्चर सुनो गप नहीं अगर मान लीजिए कोई अदर भवस आ जाते हैं अदर भव और सब कुछ एट एज इट इज रहेगा एज इट इज ठीक है यहाँ पे मान लीजिए और हो जाता है। फिर को हम में ट्रीट करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग जेरंड का प्रयोग कर रहे होते हैं तो यही एरर है यहाँ पे देखिएगा आई मींट नथिंग ए सेम एग्जाम्पल एज इट इज हम आपको करवाए कहा क्लास में हम क्लास में क्या करवाए थे कि ये लेस देन के जगह पर हम बट करवाए थे आपको और जब यहाँ पे हम लोग बट करेंगे ना जब बट करेंगे तो टू कंपेल बिल्कुल सही होगा टू कंपेल बाकी जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही होगा. ठीक है इसको कोई काट ही नहीं सकता है लेकिन बट यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा यहाँ पे लेस देन लिखा और लेस देन लिखा तो देन यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है अब प्रीपोजिशन के बाद आप जानते हैं कि इंफिनेटिव का प्रयोग नहीं करके हम लोग जेरंड का प्रयोग करते हैं तो टू कंपेल नहीं कंपेलिंग होगा नहीं क्या होगा, Compailing होगा। Error हमारा किस पार्ट में है सी पार्ट में बहुत बेहतरीन पॉइंट है इसको कॉपी में नोट no डाउन कर लीजिएगा और जो बच्चे मेरे पास फाउंडेशन पढ़े हैं एडवांस भर में तो ये तीनों टॉपिक लिखा होगा एक अलग से क्वेश्चन आ गया लेस देन प्रिपरेशन के रूप में ट्रीट हो रहा है तो कंपेल नहीं टू कंपेल नहीं कंपेलिंग होगा अच्छा डूडज वाला एक एग्जाम्पल दीजिए सर जैसे बोलेंगे लड़की पढ़ाई के सिवाय कुछ भी नहीं करती है तो द गर्ल स्टडी ऑल मैं आपके साथ कुछ समय बिताने के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता हूं तो आई वॉन्ट नथिंग बट अस्पेंड की टू अस्पेंड टू अस्पेंड विद यू और अगर लेस देन आ जाएगा तो देन एक प्रीपोजिशन हो जाएगा तो यहां पे हम लोग जेर यूज करेंगे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे आगे आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न फ्रेजल भर्ब है जिसका मीनिंग होता है आना क्या आना कह रहा है कि मैंने आपका इंतजार तो किया लेकिन आप कभी नहीं आए एक साथ एक्शन बोला है सिमल्टेनियस है इंस्टेंट है एक साथ हुआ है तो ये हमारा भीटू में है तो ये भी हमारा क्याची में रहेगा भीटू में इंतजार करना और आना साथ साथ हुआ है इसलिए दोनों का टेंस सेम रहेगा अब ये दिमाग नहीं लगाना कि सर इंतजार किया होगा पहले आया हुआ बाग में ऐसे नहीं सोचे गंदा नहीं सोच सकते आप तो बट कंजंक्शन भी सही है इंतजार किया तो आना चाहिए था लेकिन इंतजार करने के बावजूद भी नहीं आया तो कंट्रास्ट है तो बट भी सही है नो एरर नेक्स्ट देखो ही हैज रेड अभी एक बहुत सुंदर पॉइंट हम आपको पढ़ाए थे कि यदि दिया है उसका टेंस हमेशा सिंपल पास्ट में जाता है ए रिटर्न तो पैसिव है ए रिटर्न तो पैसिव है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है यहाँ पे रिलेटिव पुनः नीभर छुपा हुआ है ऐसे होना चाहिए था फोर प्लेज that वर written by क्या है शेक्सपियर रिलेटिव नोनो बीफ हम छुपाया जा सकता है तो हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग कर लेते हैं बिल्कुल सही है लेकिन कह रहा है कि उन्होंने चार प्लेज़ को चारों नाटक को क्या किया है पढ़ लिया है जो सेक्स जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है क्या पढ़ लिया है द एंड ऑफ हिज वेकेशन अपनी छुट्टी के समाप्ति तक वो चारों प्लेज़ क्या कर लिया पढ़ लिया ए पास्ट टाइम का मेंशन हो गया और जैसे ही सेंटेंस में पास्ट टाइम कम्बेंसन हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट से काम नहीं चलेगा अब सिंपल पास का प्रयोग करें तो रेड हो जाएगा और रेड यहाँ पे क्या है B2 है में है किस पार्ट पार्ट में में फर्स्ट क्या यह सही था आपका क्या यह सही था वो सही था, था तो क्या आपने करेक्शन सही करा था कि हैज का आप हेड कर दिए थे हैज का हेड नहीं होगा बल्कि केवल हम लोग हैज को हटा देंगे और रीड को क्या बोल देंगे भी टू बोल देंगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124. ट्वेंटी फोर ही लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ फोर कह रहा है कि चार साल की उम्र में उन्होंने क्या सीख लिया बर्नवाला सीख लिया बताइएगा अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लेटर बोलते हैं और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स को अल्फाबेट बोलते हैं अल्फाबेट मीन्स क्या होता है बताओ हिंदी आप लोग हाँ सुन के अभी बता दिए हम जान रहे हैं अल्फाबेट मीन्स होता है बर्नमाला अ ग्रुप ऑफ क्या लेटर्स नहीं इसके लास्ट में कभी भी तुम एस लगाओगे तो एग्जामिनर आपको नंबर काट लेगा मार्क्स काट लेगा लेकिन क्या अल्फाबेट में एस संभव है कि नहीं बताओ इस अर्थ में अल्फाबेट मीन होता है भाषाएं क्या होता है भाषाएं जो हमेशा पूर्डल यूज होता है बताइएगा चार साल की उम्र में वो भाषाएं सीख लिया वर्णमाला तो यहां पे अल्फाबेट में एस नहीं लगेगा गलती सेकंड पार्ट में है एस नहीं लगा सकते अल्फाबेट अल्फाबेट ठीक है ये भी क्वेश्चन आसान था आगे बढ़ते हैं गप नहीं कीजिएगा बींग डे आई कुड नॉट गो आउट आज के एक फाउंडेशन बैच में मैंने पढ़ाया प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग अ रेनी डे कारण को दर्शाने के लिए सेंटेंस का शुरुआत हम लोग बीइंग से कर सकते हैं बोर्ड पर ध्यान दीजिए बींग के पहले प्रोनाउन लगा भी सकते हैं बीइंग के पहले प्रोनाउन नहीं भी लगा सकते हैं ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और वो सिचुएशन क्या है यहाँ पे जो बात बोलेगा ये बातें यदि आई से रिलेट हो रहा होगा तो यहाँ पे प्रोनाउन या नाउन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा लेकिन अगर इस सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करेगा तो यहाँ पे प्रोनाउन देना होगा गो का सब्जेक्ट कौन है आई दोनों जगह आई कॉमन होना चाहिए बताइएगा बरसात का दिन होने के कारण मैं बाहर नहीं गया या बाहर नहीं जा सका बरसात का दिन होने में आई का कोई रोल है आई से कोई रिलेशन है रिलेशन नहीं है तो नेचुरल रूल और इवेंट को शो करने के लिए क्या लगाते हैं इट लेकिन यह बोलता है ऐसे कि बीइंग अ टीचर एक टीचर होने के नाते मैं आपको एडवाइज करता हूं कि, कि किसी चीज का चिंता मत कीजिएगा तो बीइंग अ टीचर आई एडवाइज यू नीथिंग तो यहाँ पे बींग टीचर बिल्कुल सही है क्योंकि आई ही क्या है टीचर है जब रिलेट नहीं करे तो प्रोनाउन देंगे और अगर रिलेट करेगा तो प्रोनाउन नहीं देंगे यही गलती था गलती है फर्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर है आपका वन टू सिक्स ही देखोगे मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाया हूं कि एड्जेक्टिव के बाद subject के बाद be भर आ जाए और be भर के बाद adjective आता है तो हम लोग to infinitive लगाते हैं to प्लस क्या भी v1 लेकिन ए रूल उस समय गलत हो जाता है जब कोई एडजेक्टिव अपना प्रीपोजिशन लेकर आता है कैपेबल अपने साथ हमेशा क्या लेकर आता है ऑफ और जो एडजेक्टिव या जो वर्ड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेकर आता है उसके साथ ए वाला रूल नहीं लगता है तो कैपेबल अपने साथ ऑफ लेकर आता है और आप तो जानते ही है ना प्रीपोजिशन के बाद टू इंफिटिव आता है कि जेरन फिर हम लोग जेरन लगाते हैं जी, आप रट लेना और अगर इस बार आप इंस्पेक्टर बनने वाले हैं तो ये पॉइंट आपको पहले से क्लियर होगा कि कैपेबल के साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं तो कैपेबल ऑफ हो गया तो डू नहीं क्या होगा डूइंग डूइंग होगा गलती हमारा सेकंड पार्ट में है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आई विल सेंड माय सर्वेंट बट आई कांट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम कह रहा है कि मैं अपना नौकर भेजूंगा लेकिन मैं सुनिश्चित नहीं करता हूं नहीं कर सकता टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा आप ऐसी बात बोल रहे हैं देखिए भाई यहाँ पे देखो आई बिल्ड माई पे माई सर्वेंट यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है अब देखा कीजिए अब यहाँ पे देखा कीजिए स्ट्रक्चर तो ठीक है ना आई के साथ मॉडर्न इंग्लिश में सेल भी लगा सकते हैं भीवन है माई सर्वेंट है कोई गलती नहीं है आगे बढ़ते हैं कंट्रास्ट है अगर ध्यान दी कंट्रास्ट बट क्यों है अगर समय पर पहुंच जाता आप इंस कर देते तो एंड लगाते कि मैं भेजूंगा और आपको सुनिश्चित करता हूं कि समय पर पहुंच जाएगा तो एंड लगाते हैं लेकिन भेज तो रहे हैं लेकिन किस काम का भेज रहे हैं जब समय पर पहुंच नहीं रहा है तो कंट्रास्ट है कंट्रास्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बट लगाते हैं ये बट भी सही है अच्छा तीन बट होता है आप जानते हैं क्या एक होता है इनश्योर एक होता है ई से और एक होता है एस्योर देखो बाबू इनश्योर का मीनिंग होता है बीमा करना बीमा करना समझना था इंश्योरेंस इसी से बनता है जैसे किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट करना किसे प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस हो गया आपको कोई इंजरी हो गया एक्सीडेंट हो गया तो इंजरी से एक्सीडेंट से भारी लॉस से आपको प्रोटेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं बीमा करना प्रत्येक मंथ प्रत्येक साल आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में और जब आपके साथ कोई स्ट्रेजी होता है दुख भरी घड़ी आती है तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान दीजिएगा लाभ देता है तो, करता है, तो उसको बीमा करना इंस्योर मिस होता है सुनिश्चित करना क्या करना सुनिश्चित करना सुनिश्चित करना समझ में आया टू कन्फर्म टू कन्फर्म दैट समथिंग विल हैपन यह सुनिश्चित करना कि कुछ चीजें होगा क्या होगा घटेगा निश्चित रूप से घटेगा और इसका मतलब होता है क्लियर ऑल डाउट्स जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स को रिमूव करना दैट मीन्स किसी को दिलासा देना दिलासा देना या फिर भरोसा दिलाना भरोसा दिलाना अच्छा सीजीएल में इसको बहुत भयंकर तरीका से पूछता है याद रहे यदि दैट क्लाउज का प्रयोग किया गया हो अगर भाई मेरे दैट क्लाउज का प्रयोग किया गया हो और इस दैट क्लाउज में हो कि कुछ चीजें घटित होगा कुछ चीजें घटित होगा घटित होगा जैसे सेल बिल का इसमें प्रयोग किया जाएगा तो इसके पहले तुम इनश्योर का प्रयोग करना ठीक है और किसी व्यक्ति को भरोसा दिला होना दिलाना होगा पर्सन को किसी व्यक्ति को आप भरोसा दिलाते हैं ठीक है तो इसके पहले हम लोग एस्योर का यूज करेंगे और इंस्योर तो आप जानते ही हैं क्या करता है बीमा करता है तो पर्सन के पहले आप एस्योर यूज करेंगे और दैट क्लाउज के पहले इंस्योर यूज करेंगे कोई चीज को कंफर्म करना के घटित होगा वो इंस्योर है और किसी पर्सन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं तो डाउट्स को रिमूव करना वो क्या है एस्योर है और प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्या है इंजरी uh, लॉस है तो हमारा इंश्योर है और इसी से बनता है इंश्योरेंस इंश्योरेंस एक स्पेलिंग मिस्टेक करेगा तो इंश्योरेंस लिखेगा तो उसके स्टार्टिंग में आई होगा कि ई e होगा आई होगा ये आपको याद रखना है बट आई कांट इंश्योर दैट तो यहाँ पे ए वाला गलत है ना कितना मस्त और धाकड़ क्वेश्चन है गलती हमारा हो गया सेकंड पार्ट में नोट आई होगा क्या ई e. इसका सोल्यूशन कभी कभी ऐसे देता है कि ध्यान दीजिएगा कोई कोई किताबें देता है कि एस होगा, -S -S, है होगा ए डबल एस आई थिंक गलत ई वाला होगा क्योंकि आगे दैट क्लाउज है कोई चीजें घटित होगा इसके लिए सुनिश्चित करते हैं तो इन श्योर है किसी पर्सन में डाउट है उसको आप रिमूव करते हैं तो ऐस्योर है आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉयर आस्क द कंप्लेनेट टू पुट हिज साइन की सिग्नेचर ध्यान दीजिएगा सिग्नेचर ऑन द पेपर पुट क्या है को तो तो सब लोग बनाए होंगे जो नहीं बनाए हैं फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए मेरे पास वो शुरू हो रहा है अट्ठाईस में से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है अट्ठाइस में से ट्यूजडे से ज्वाइन कर लीजिए और एक साल के अंदर इंस्पेक्टर बनिए आप यू हैव गोन थ्रू पेपर काइंडली रिटर्न देम टूअर्स सुनो है कि जब आप पेपर को पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे पढ़ लेंगे तो आप क्या करेंगे कृपया करके इसको हम लोग को लौटा देंगे तो वेन यू हैव गोन थ्रू कम्पलिसन दर्शा रहा है कम्पलिशन को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग बिल्कुल सही है आगे बोला है पेपर्स डेफिनेट है डॉक्यूमेंट्स के सेंस में तो ये भी बिल्कुल सही है गो थ्रू का मतलब क्या होता है जल्दी जल्दी पढ़ना है ना जल्दी जल्दी देखना काइंडली रिक्वेस्ट के लिए आता है काइंडली रिटर्न देम देम किसके लिए पेपर्स के लिए और दो चीज को जोड़ने के लिए इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि बाद में लिखा जाता है तो उसके पहले क्या लिखते हैं टू लिखते हैं ये भी बिल्कुल सही है अब बहुत सारे का कहना होता है कि सर भेन के जगह पे if होता तो मजा जाता इफ भी सही है भेन भी सही है तो किसी प्रकार का स्मेरा नहीं है जब भी सही है और इफ भी यदि भी सही है नेक्स्ट यू कुड बी बेटर ऑफ दिस डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव a लिटिल मोर फन ध्यान दो ये जो क्वेश्चन है मुझे जहां तक याद है पेपर में इसको ऐसे पूछा है कि यहां पे आ का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है ये पेपर में जब क्वेश्चन आया था तो इन्होंने आ का प्रयोग नहीं किया था ठीक है मैं थोड़ा सा व्हाइट पेंसिल को हटा देता देखिए You could be better off these days. इन दिनों आपकी स्थिति ठीक हो सकता है आपका दिमाग का बत्ती जल गया होगा कि यह क्या है तो एक एडजेक्टिव होता है जो है, बेल ओफ। बेल ओफ का होता है रीच धनी या समृद्ध धनी या समृद्ध होता है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है क्या एडजेक्टिव डबल इफ होता है एड्जेक्टिव ठीक है तो वही बेल ऑफ को क्या किया है कॉम्पेरेटिव बना दिया है इसका कॉम्पेरेटिव क्या हो जाएगा बेटर ऑफ इसका कंपैरेटिव बेटर ऑफ हो जाएगा आप जानते हैं ना गुड का भी कंपेरेटिव होता है बेटर और वेल well का भी कंपेरेटिव क्या होता है बेटर तो बेटर ऑफ बिल्कुल सही है बाबू बी हमारा लिंकिंग भर्व है और लिंकिंग भर्व को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है ध्यान दीजिएगा ये भी सही है पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए प्रेजेंट में कुड का प्रयोग भी सही है तो कह रहा है कि इन दिनों आपका स्थिति क्या हो सकता है बेहतर हो सकता है और बेहतर होने से क्या होगा कि आप और जीवन जीवन में आनंद ले पाएंगे जीवन में आनंद ले पाएंगे

मोरफन जब आपकी स्थिति पहले से और बेहतर हो जाएगी तो आप पहले से ज्यादा आनंद उठाइएगा जीवन में तो मोरफन भी बिल्कुल सही है अच्छा मोरफन क्या है कॉम्पेरेटिव डिग्री और कॉम्पेरेटिव डिग्री क्वालिफाई करने के लिए क्या था लिटिल या पढ़े क्या कॉम्परेटिव डिग्री को क्वालिफाई करने के लिए माचा आ सकता है भाई लॉट आ सकता है भाई फार आ सकता है और लिटिल आ सकता है लिटिल आ सकता है कॉम्परेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करने के लिए पॉजिटिव डिग्री के पहले भेड़ आएगा और पॉजिटिव डिग्री के बाद

नेक्स्ट इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन बैग्स ऑफ राइस ध्यान दीजिएगा टेन बैग्स ऑफ राइस हमारा क्या है अनकाउंटेबल बहुत सारे लोग बैग्स के अनुसार लगा देंगे लेकिन राइस के अनकाउंटेबल टेन लीटर्स ऑफ वाटर यूज करोगे टेन बैग्स ऑफ राइस यूज करोगे तो अनकाउंटेबल सेंस है और अनकाउंटेबल सेंस में क्या आता है लेस नॉट फ्यूअर लेस होगा गलती सीपट में द पीरियड बिटवीन बिटवीन के साथ बताओ पेयर में बीटबिन के साथ पेयर में क्या आता है एंड बताओगे टू किसके साथ आता है फ्रोम के साथ किसके साथ फ्रोम के साथ फ्रोम के साथ टू और के साथ बोथ के साथ भी हम लोग लगाते हैं एंड है? तो गलती है सेकंड ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम इज एंट कह रहा है कि वो इंडियन टीम में फास्टेस्ट बॉलर नहीं है ये बात सही है ना तो क्वेश्चन टैग है बताओगे जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा पॉजिटिव होगा क्या तो पॉजिटिव होगा तो इजंट ही की इज ही गलती हमारा सी पार्ट में है लास्ट क्वेश्चन आज का आई वेंट इन टू द बैंक एंड विदड्रॉ सम मनी बताओ इसमें क्या एरर आई वेंट इन टू द बैंक एंड विद्र मनी जल्दी बोलिए इसमें कोई गलत है बैंक एंड and... अच्छा इन टू होगा क्या क्या होगा यहां पे डेस्टिनेशन दर्शाने के लिए टू हो तो गलती हमारा क्या है फर्स्ट पार्ट में अभी अभी बताए थे कि डेस्टिनेशन को शो करने के लिए हम लोग प्रिपेयर